हरे कृष्णा। तो आज हम आपको करताल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। जब हम इस्कॉन में प्रायः कीर्तन करते हैं तो सभी कीर्तन प्रायः तीन ताल के ऊपर ही आधारित होते हैं। तीन ताल किसे कहते हैं, हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो इस करताल को हमें पकड़ना है। पकड़ने का तरीका है, इसको ऐसे राउंड करके इसके रिबन को ऐसे होल्ड कर लेना टाइटली, ताकि इसकी ग्रिप अच्छे से बन जाए। देन इसके पहले दो भाग, तीन ताल में मतलब तीन तरह से करताल बजेगी तीन बार से। पहले इसके जो दो भाग हैं वो करताल के अंदर वाले हिस्से में, 1 2, और जो तीसरा हिस्सा वो ओपन साउंड देगा, 3। ठीक है, 1 2 3। आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब हम इसे कीर्तन पर लेके चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आज का हमारा पहला लेसन था, तीन ताल करताल, दो राउंड, दो इसके हिस्से अंदर वाले में और एक हिस्सा बाहर, ओपन साउंड, 1 2 3। इसी को आप प्रैक्टिस कीजिए, इसकी स्पीड वेरिएशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।